अपना फार्म हैगा जी कटोरा पिंड तहसील जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के आप 2010 के आप शुरू किया दसा गावों तो। हाँ जी दस गावों से हूँ अपने 120 एनीमल टोटल है जी 70 के करीब अपने को मिल्किंग दे इन्हों ज़्यादा साडा साइलेज चलता जी पूरा साल ही मक्की का साइलेज ही सानू बनाना पैंदा वा स्टोर करना पैंदा वा पिस बने हुए पूरा साल सानू साइलेज स्टोर करना पैंदा इन्हां दा ते ग्रीन फूडर भी सर्दी दे विच दिंदे आ असीं मक्खन घा हो गया राई ग्रास वगैरह ये देईदे नहीं साडे फीड सारी कारगल ही चलती है कुछ असीं होम मेड बना के आपदी पाउंदे आ ते कोई खाल खुल वगैरह नहीं पाई दी कल्ली फीड ही चलती है इन्हां दी छड़ते हैं जी ये जो प्रॉफिट आए सर्दी में प्रॉफिट आता बाकी सारी गर्मी के लॉस ही जाता क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा पेंदे आ पशु बीमार मेडिसिन से बहुत खर्चा आता तो वो कई फिर विचों तां छड़ देंदे आ भी जिहड़ी उन्हां दा बैलेंस नहीं बनता गा जिवें सर्दी पैसे आए वो आपदे लाले गर्मी वाले आए ना तो उत्थों काम गलत हो जाता तो बाकी हूँ जी लागत बहुत ज्यादा आ तो जी आमदन वह घट हूँ साइले लिया सानू 50,000 किला पैंदा पिया तो जोड़ा दुध का भाव जो अज तो 10 साल पहला सी उही हूँ चली जाता फीड आ जी वह भी डबल रेट पर हो गई है असी दसा गावों से शुरू किया 4-5 साल चंगा प्रॉफिट आया पर हूँ जोड़ा साडा ना वो साडा भी कम लॉस के ही जाता पाया सरकार मदद कि दी सरकार ने 1.5 लाख रुपया मदद दी है जी 3 करोड़ रुपये 1.5 लाख सरकार की मदद साढ़े को 3 करोड़ रुपया साढ़ा लग गया जी टोटल मशीनरी के फार्म से एनीमल से सारा नहीं नहीं सानू 1.5 लाख रुपया शैड की सबसिडी दी है जी इस बाद साढ़े को ना कोई वैटनरी इन्हों का अफसर आता वा ना कोई महकमे वाला आता वा कोई नहीं साढ़े को आता गा फोन करके सदीए अगो अज मैं छुट्टी दे आ, ओ, जे वो बन ही जाते नुकसान बहुत हो लॉकडाउन बहुत हो सा दुध छड़ गया चके नहीं एक महीना साड़ी लिमिट बनती तो वो सू जो दुध है वह डोलना ही पाया सारा ही फार्म का साढ़े को 1800 लीटर सर्दी के पीक पर चला जाता जी 1800 लीटर पर डे का सू डोलना पाया दुध तो वो करके जोड़ा पूरा साढ़े साल का जोड़ा प्रॉफिट से वो लॉस के गया करके हम पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ छड सकते नहीं तो होर कोई काम भी है नहीं ये सरकार को चाहिए साड़ी मदद करे सहायक धंधा बहुत वधिया वा चंगा दुध का रेट देवे नाल सानू सहूलत देवे मशीनरी दे देवे तो जोड़ा असी 200 गां कर देंगे 300 कर देंगे पर प्रॉफिट जोड़ा प्रॉफिट तो बिना तो कोई भी नहीं आप काम कर सकते लिक्विड तो सेल ही नहीं करती जिन्ना भी साडे फार्मा दुध तकरीबन वेरका दे ही लैंदे आ वेरका लिक्विड सेल करती है जिहड़ी नैस्ले ओह तां करदी नहीं ते तुसीं लवाईआं कोल चले जाओ पनीर कह दो जाके घिओ कह दो जो मर्जी तुहानूं एक दिन बना के दे देंगे ये हालांकि साढ़े को ना इधर कोई हलवाई आया दुध लैन लई ते ना कोई शहरों भरा आता इन्हों चाहिए जोड़े साढ़े वीर पीते दुध फार्मा तो आ सीधा साढ़े तो दुध फ्रैश मिल्क लैके जाए कोई इन्हें मिलावट नहीं कोई कुछ नहीं मशीन का दुध चोया साफ सुथरा तो यह तो अपने पीने वाले खपतकार वीर चाहिए सोचना भी दुध आप पीना कि एच एफ आई सारी ब्रीड अपने को सारे बाहर का इंपोर्टर सीमन लगा जी अही ब्रीड तैयार की आपकी वो करके जो सू कुछ बचता पाया वा जे अपनी इंडियन ब्रीड हूँ तो सू कुछ नहीं बचना जी हाँ जी सारा सारा अपने आप का सीमन है सारा कुछ आप सारिया अपने को आपकी ब्रीड है जी असी ना वीर जी गल भी जो अं शुरू किया ना सानू उदो ट्रेनिंग ली सी असी इन्हां दी जिहड़ी डेयरी विभाग का सर्टिफिकेट बनता बना के वो सानू उदो इन्हां स्कीमां बहुत दसियां सी वी साडी इहदे ते कैटल दे तुहानू सबसिडी देवांगे मिल्की मशीन ते देवांगे अपने काफ ते देवांगे
तुहानू फीड ते देवांगे, पर सानू इन्हां सारियां कह के दित्ता कुछ नहीं। असीं तां इह आणे वी जिहड़े नौजवान ने कम नहीं माड़ा, प्रॉफिटेबल कम आ, पर सरकार जे सार लवे तां करके जिहड़ी आपां सबसिडी आ 50% सबसिडी हरेक आपणा कोई मशीनरी लैणी आ, पशु लैणा वा, फीड ते 50% सबसिडी चाहीदी आपां जदों आपां कम शुरू करना, फिर अपना काम यह चल सकता वधिया। पर जे नवें आपां सिरे तों पैसे ला के तो दुध का प्राइज़ है नहीं, तो मैं आना भी नहीं कोई इन फायदा है नहीं पैसे लाने का। ये आप इस बार तैयार करवाई है जी, ये साइलेज बनाने वाली मशीन आ, खड़ी मक्की का साइलेज बना है, जिवें मक्की अपनी खड़ी है कुदर के ट्रालिया के पाँदी आ, भी जिंद लेबर की अभी बहुत कमी चलती अपने फार्मा, तो लेबर सानू मिलती नहीं, ये लेबर का काम खत्म किया। नहीं असी 18 लाख रुपया 20 लाख गया साडा, तो सानू 1 रुपया भी जिहड़ी सरकार ने कोई सबसिडी नहीं दी ये दे। आ लोग हूँ जिहड़ी सरकार ने पराली संभालने वास्ते इन्ने इन्ने संद सबसिडिया 50% 80% दित्तियां, तो वह फिर भी अग लाई जांदे आ, पर साडे डेयरी फार्मा ते सरकार नूं पता नहीं की आ वी इहदे ते हुण एक आ वेखो तुसीं किन्ने पैसे लाए आ, तो 1 रुपया सबसिडी है नहीं ये दे। है ही नहीं जी, पॉलिसी है नहीं ये उत्ते, तो कोई पॉलिसी बनूगी फिर ही अपलाई करांगे आपां। डिमांड करते हैं अं भी हम जिम्मे 20 लाख रुपया साडा लगा घट्टो घट, ज़्यादा नहीं तो सरकार भी 25-30% तो सानू सबसिडी ये देनी चाहिए भी साडा उन्दे नाल मत हो जूगी। असीं तां पढ़ लिख के इस काम से लगे हाँ, जे सारी सरकार साडी हैल्प करे तो असीं तां होर भी प्रचार सारे आखांगे नौजवानों नूं भी बाहर की करन जाणा आपां, उहदा इत्थे डेयरी फार्म चलाईए वधिया। असीं 50 एकड़ का बनाने जी हरेक साल, एक एकड़ सानू लगभग जिहड़ा असीं आपदा तैयार करदे ओह सानू 25,000 नूं किला पैंदा जी, जिहड़ा असीं परचेज करदे हां ओह सानू 60,000 दा किला पैंदा जी, 60,000 रुपया सानू खर्चा पूरा उहदे ते तैयार करके घरे भेट दे। ये 13 महीने का हो जाता जी घट्टो घट्ट, हरा जा रहा इन्हें नहीं पैंदा जी, वो सर्दी में पैंदा जी, राई ग्रास बीजी का वा वो तो फिर इन्हों सर्दी सर्दी 3 महीने दे दे। भाजी मेडिसिन तो फार्म का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कह सकते आप भी कई बार तो यहोजी प्रॉब्लम आ जाती है, जो गावं की बीमारी ज दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, अद्धा अद्धा परसेंट ही भी मेडिसिन के चले जाता, यानी कि सब तो ज़्यादा खर्चा मेडिसिन का है फार्म। गर्मियों के सर इन्हों प्रॉब्लम जिमें बुखार हो गया, ਕਿਚੜਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਸਟੈਟਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਥਨੇਲਾ ਰੋਗ, ਥਣਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਸ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਥਨੇਲਾ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਿਊਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਲਹੂ ਮੂਤਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ ਏ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਰਮ ਨੇ, 2-3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਮੈਡੀਸਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਆਪਦਾ ਲੱਗੀ ਫੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ 'ਤੇ।